हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यूएस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। इस चैप्टर से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ टॉपिक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस इमेज को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और दूसरे इफेक्ट्स भी हम लोग उस पर लगा सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले होंगे इसी वीडियो के अंदर कि किस टाइप से हम लोग यहां पर अपने ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को जो है वो यहां इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा उनको भी हम लोग किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्ट करना होगा यहाँ पर राइटर सॉफ्टवेयर को। आप चाहे तो लिब्रे ऑफिस राइटर लिख सकते हैं, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो आपको इसको यहाँ आप इस तरीके से उसको स्टार्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब हमें यहाँ कुछ काम करना होगा, बेसिक कुछ काम है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कई बार हम आपने देखा होगा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कुछ पैराग्राफ कुछ कंटेंट, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि इमेज, सपोज ऐसे ही अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स यहां पर कोई इमेज को यूज करना, तो उसके लिए आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी मतलब एक से ज्यादा तरीके हैं जहां से आप इमेज को यहां इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक तो आप ये देख रहे होंगे स्टैंडर्ड टूल बार, यहां अगर आप आगे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट इमेज, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कौन सी इमेज लेनी है, आप पर्टिकुलर वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको कोई इमेज को चूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ से फ्रेंड्स किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कि यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स ये एक इमेज है और ये इमेज आप यहाँ देख रहे हैं मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस इमेज को इंसर्ट कर देने के बाद अब आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने इमेज इंसर्ट करी है शायद फ्रेंड्स ये इमेज जो है वो 5 MB की है, 3 MB की है, 2 MB की है, जो भी साइज है इसकी। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, 5 MB की अगर सपोज ये फाइल है तो फ्रेंड्स ये 5 MB की फाइल जो है एज इट इज कॉपी हो गई मेरे इस लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ फाइल की जो साइज है वो इंक्रीज हुई है। ध्यान रखिए जो फाइल मैंने ली है, जो इमेज मैंने ली है, वो इमेज एज इट इज मेरे राइटर सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई है। तो इस वजह से मेरे जो राइटर की जो फाइल है, ये जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज भी क्या होगी, यहाँ इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ इस तरीके से ये यूज नहीं करना है, मैं चाहता हूँ इसको सिंपल सा एज अ लिंक यूज करना। तो फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आप वही इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी हमने पहले करी थी। फ्रेंड्स जैसे जो भी इमेज है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स इस इमेज को सेलेक्ट कर देने के बाद बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, अगर आप देखेंगे अब जैसे मैं इसको यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करूंगा आपको इमेज यहाँ पर दिखेगी, बस मुझे क्या करना है कीप लिंक करना है, वो इमेज आपको दिखेगी। लेकिन फ्रेंड्स ये एक्चुअल में इमेज यहाँ नहीं है, एक्चुअल में इमेज वहीं पड़ी है, मेरे डाउनलोड्स में ही पड़ी है, बस उसका एक लिंक मुझे मिल गया है। अब बस मुझे यहाँ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी इस फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, कट कॉपी पेस्ट जो भी कर रहा हूँ, तो बस वहां पर मुझे साथ में उस इमेज को लेकर के जाना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप जानते हैं आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, आपने उसका लिंक बनाया अपनी फाइल के साथ और वो फाइल अगर आपने मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दी है, तो फ्रेंड्स वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है। अब ध्यान रखिए वो पेन ड्राइव में नहीं, आपने मुझे फाइल दी है, उस फाइल के अंदर ये फाइल नहीं, यहाँ क्या है केवल एक लिंक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिंक को भी यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या होगा, आपके फाइल की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगी। अब चलिए जो भी आपने अगर फाइल यहाँ पर ली है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको फॉर्मेट्स करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट्स में क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसके ऊपर 8 पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे टॉप में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 है, बॉटम में भी आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और साथ में बीच में आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर ये बीच वाले नहीं, हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें इस पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसकी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करें। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप वर्टिकल जो एरिया दिख रहा है इसके पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप मूव करेंगे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो आपने इंक्रीज या डिक्रीज करी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये जो चारों कॉर्नर देख रहे हैं आप चारों साइड में, है ना, इसके पॉइंट्स को पकड़ के करेंगे तो ये क्या करेगा, हाइट और विड्थ दोनों को सेम एस्पेक्ट में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज किया है, ठीक है, हाइट भी इंक्रीज हो रही है साथ में इसकी विड्थ भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो आप जैसा जिस साइज में रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास ये जो इमेज आई, जैसे इसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज को मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्रॉप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इस इमेज के चारों साइड में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देखिए अभी मैंने इसको क्लिक किया, कुछ आपको अलग से ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे फ्रेंड्स मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक नई टूल बार आ चुकी है, ठीक है, ये आपके पास टूल बार है फ्रेम नाम से।
तो अब यहाँ हम लोग इसके ऊपर कहीं कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक तो ये देख सकते हैं, सपोज आपके पास यहाँ कोई पैराग्राफ होता, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सैंपल इमेज, इस टाइप से, ठीक है। और फ्रेंड्स इस कंटेंट को मैं ऐसे ही एक बार क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंटेंट ज्यादा डालना, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस इमेज को मैं अगर ऊपर करता हूँ तो ये किस तरीके से सेट होगी, देखिए मैं चाहता हूँ पैराग्राफ्स के साथ रहे, सेलेक्ट कर देने के बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको बीच में रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी साइज फिर से छोटी कर लेता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। फ्रेंड्स आपने इसको क्या कर दिया, बीच में डाल दिया यहाँ से, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स इसके चारों ओर टेक्स्ट आ सकता है जैसे आप रखना चाहें, ठीक है। साइज आप और छोटी कर सकते हैं, आप इसको बीच में इस तरीके से सेट कर सकेंगे। इसी रैप से फ्रेंड्स ये थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, पेज रैप, तो ये पेज को रैप कर देगा आप जहां लेके जाएंगे उस जगह से। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप कॉर्नर में रखना चाह रहे हैं लेकिन साथ में टेक्स्ट आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ देख पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप से रखना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकेंगे आप, इधर आपके पास ब्लैंक एरिया रहेगा सिर्फ, ठीक है। इसी टाइप से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये इमेज आप जिस तरीके से रखना चाहें ऐसा भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको किस तरीके से सेट करना चाह रहे हैं। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ये ठीक लगेगा, ठीक है, इमेज भी आ जाएगी आपका और टेक्स्ट भी आपको दिखता रहेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप इस इमेज के ऊपर कुछ फॉर्मेट्स चाहते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख रहे होंगे बॉर्डर है आपके पास, किस टाइप का बॉर्डर आप लेना चाह रहे हैं, बॉर्डर की स्टाइल जो आप लेना चाह रहे हैं, जैसे चारों साइड में लेना है, एक साइड में लेना है, आप चारों साइड में बॉर्डर ले सकते हैं। बॉर्डर की स्टाइल कौन सी रहेगी, मैं डबल की लेना चाह रहा हूँ। बॉर्डर का कलर जो भी आप लेना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इनकेस अगर ये आपकी इमेज थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती, पीछे बैकग्राउंड में कहीं कुछ दिख रहा होता, तो आप उसका बैकग्राउंड भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, जैसे हल्का सा येलो आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपने यहां देखे होंगे, साथ में अगर आप यहां देख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहां पर भी कुछ और ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे रोटेट करना चाह रहे हैं आप इमेज को, ठीक है, आप इस इमेज को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस टाइप से रोटेट कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया होगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको फ्लिप करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हैं जो आप लेना चाहें। इसी टाइप से आप इस तरीके से लेफ्ट साइड से लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग जाए। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप वर्टिकली करना चाह रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप इसके जो है क्रॉप करना चाह रहे हैं इमेज को, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके से इमेज को ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, इतना ही इमेज का पोर्शन मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए जब आप इमेज को क्रॉप करते हैं तो इमेज यहाँ से कटती नहीं है, केवल आपका वो वाला इमेज का पार्ट जो आपने यहाँ क्रॉप किया है, ठीक है, तो वो दूसरा वाला जो पार्ट था जो अभी आपको नहीं दिख रहा है वो केवल हाइड हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स और अगर आप इस इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कलर आप यहाँ से कौन सा इसमें रेड कलर मिक्स करना चाह रहे हैं, ग्रीन करना चाह रहे हैं, येलो करना चाह रहे हैं, जो भी आप कलर लेना चाहें। बेसिकली आर जी और बी तीन कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, आपने सुना भी होगा कंप्यूटर में केवल तीन कलर ही होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, और उन तीन कलर से जो है हमारा कंप्यूटर लगभग 16 लाख के आसपास कलर क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही प्रिंटिंग में भी आप जानते होंगे, प्रिंटिंग में हमारे पास चार कलर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं CMYK, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक होता है अपने पास में। आपने देखा होगा जनरली जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं उसके नीचे आपने देखा होगा 4 डॉट्स होते हैं, 4 अलग अलग कलर है। वो बेसिकली ये हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ हमने इस पेपर को प्रिंट करने के टाइम पर इन 4 कलर्स को यूज लिया है। और बेसिकली बहुत सारे प्रिंटर्स जो आप कलर प्रिंटर यूज करते हैं उसमें भी जो इंक आती है वो मोस्टली 4 कलर्स में आती है CMYK में, ठीक है। आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसका जो ग्रीन शेड है या ब्लू शेड है या रेड शेड है आप जो इसमें इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ ब्लू का, इसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप देख रहे होंगे इमेज धीरे धीरे इसमें थोड़ा ब्लू शेड आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप जो कलर लेना चाहें वो कलर यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, गामा अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहां पर भी देख पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इमेज का जो है फ्रेम सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स किसी इमेज को आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर देने के बाद दूसरी जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस आप देख रहे थे क्रॉप वाला, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो देखेंगे क्योंकि वो वहां से जो आया था अब यही आपके पास एरिया रहेगा, वो जो हाइड हुआ था वो यहाँ डिस्प्ले
नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करना चाह रहे हैं, इसको कंटेंट में कहाँ डालना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ इमेज को यूज कर रहे हैं। तो इमेज क्या है, इमेज को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, और भी यहाँ पर तरीके हैं इमेज को लेकर के। तो फ्रेंड्स, एक तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट में गया हूं मैं, ठीक है। और आप यहां से भी कर सकते थे, इमेज के ऊपर क्लिक कर सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है हमारे कंप्यूटर में इमेजेस होती है, कई बार नहीं भी होती। जैसे यहाँ आप देख रहे थे इंसर्ट में मैं गया था, और इंसर्ट में जाने के बाद आपने क्या कर दिया, इमेज बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, और वहां से आपको जो भी इमेज लेनी थी, जैसे फ्रेंड्स मैं सपोज इंस्टाग्राम वाली फाइल को सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दूंगा, आपके पास इमेज आ जाएगी। आप इसको छोटा बड़ा जो भी साइज लेना चाहें आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप इसको किस साइज का लेना चाह रहे हैं। आप अगर आपको यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं चाहिए तो आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अब हमें यहाँ पता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में कुछ इमेजेस नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, गैलरी में से भी यहाँ इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर गैलरी को देखना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाकर के देख पाएंगे गैलरी दिख रही होगी आपको, यहाँ इस गैलरी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास कुछ गैलरी ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए, जैसे एनवायरमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको फेवरेट मानता हूँ क्योंकि हर बार मैं यहीं से कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। एनवायरमेंट में आ जाने के बाद आप अर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अर्थ पे अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस इमेज को पकड़ के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है एक इमेज को इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, बस ये गैलरी इमेज है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ से चाहते हैं स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इस बुक वाली को लेना चाह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप यहां से फ्रेंड्स गैलरी के थ्रू भी जो है इमेजेस को यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी थीम है, आपको जो थीम यहां से अच्छी लगे उस थीम के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख पाएंगे बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप इमेज जो है वो ब्राउजर से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, पहले ब्राउजर को स्टार्ट कर देता हूँ, और ब्राउजर के थ्रू भी अगर आपको इमेज को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं गांधी जी, ठीक है। आपको जिसकी लेनी है आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं नॉर्मली यहाँ पर गांधी जी को लिख देता हूँ, महात्मा गांधी की इमेज को लेने वाला हूँ। आपको यहाँ पर जो भी इमेज अच्छी लग जाए आप उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज आपको डिस्प्ले हो जाएगी, आप सिंपल सा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर अपने पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर है आपका वहां आकर के आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो इमेज आप सीधे अपने ब्राउजर पर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गांधी जी की इमेज को लिया है। इसी टाइप से आप अगर इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अभी तो ये फाइल केवल इसी में आपको दिखाई देगी, आप चाहते हैं फ्रेंड्स ब्राउजर पे जाइए, आपको और अगर यहाँ से गांधी जी की कोई दूसरी इमेज को लेना है, सपोज ये वाली इमेज है, आप इस इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस एज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो भी इमेज है, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ गांधी जी, ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इमेज आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ जितना भी कंटेंट है सारा एक बार हटा देता हूँ। इमेज लेना है, इंसर्ट में जाना है, सिंपल सा काम करना है, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो गांधी जी की जो फोटो अभी हमने डाउनलोड करी वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आई होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वाले। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कई बार बहुत सारे शेप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब शेप्स जो है आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ आपको एक टूल बार दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इस टूल बार को ऊपर करता हूँ, नाम दिख रहा होगा ड्रॉइंग टूल बार है। आप तो यहाँ से खूब सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं यहाँ से कुछ बेसिक शेप्स है, आपको इस टाइप का कोई शेप क्रिएट करना है, ठीक है, आप बना सकते हैं। आप यहाँ से कोई स्टार वाला कुछ लेना चाह रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं, आप कौन सा स्टार लेना चाह रहे हैं, 12 का, 14 का, जो आपको अच्छा लग जाए आप उसको सेलेक्ट करके इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ से चाह रहे हैं कि कुछ सिंबल्स लेते हैं हम लोग, कुछ शेप्स ले लेते हैं, और यही आप ले सकते हैं। बहुत सारे शेप्स हैं हमारे पास, जो भी आप लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर कोई कर्व है, लाइन है, बार है, आपके पास जो भी आपको अच्छा लग जाए आप उसको चूज कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट वर्क्स हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स या बहुत सारे शेप्स जो है उनको यूज किया है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं,
इन जो आपने यहाँ बनाए आपने जो भी शेप्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से उसका बॉर्डर अगर आप कहीं से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर का कलर आप वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फिल कलर है वो अगर आप यहाँ से कहीं कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से काम करता हूँ येलो कलर को ले लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर सॉरी इसका जो इंटरनल जो कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कहीं कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसका कलर अगर आपको चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर जो आप देख रहे हैं स्माइली था अभी आपके पास, ठीक है, फेस आपने चेंज कर दिया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, एक से ज्यादा शेप्स भी हमने क्रिएट कर लिए। इन सारे शेप्स को भी आप चाहें तो जैसे सेलेक्ट कर देने के बाद वही सारी चीजें जो अभी हमने इमेज के साथ देखी है वो आप यहाँ पर भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास कुल मिला के 3 आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, अब हो सकता है कि आपको इस ऑब्जेक्ट्स को सबको ग्रुप बनाना है और आप इन तीनों को एक साथ पकड़ के इधर उधर ले जाना चाह रहे हैं, साइज चेंज करना चाह रहे हैं, इनका कोई फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप तीनों को एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से एक आप ग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही ग्रुप करेंगे ये आपका एक ग्रुप बन चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा रहा हूँ, अभी ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अभी ये एक हो चुके हैं। आप साथ में इनका अगर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप इस तरीके से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं तीनों का। ठीक है, आप इनका बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं आप यहां से इनका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इनके बॉर्डर की विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं, विड्थ की टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, जो आप चाहें आप उसको यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग इनके जो शेप्स हैं उनको इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बेसिक चीजें थी, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो आप किस तरीके से इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से आप उनको काम में लेते हैं, बाकी फ्रेंड्स सारी चीजें वही है जो अभी हमने देखी थी कि आप कंटेंट के साथ अपने शेप्स को कहाँ डालना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से उनका बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर की विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसका कलर है, बैकग्राउंड कलर है, आप कैसे उनको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेट करना चाह रहे हैं, या आप इनके पॉइंट्स को भी चेंज करना चाह रहे हैं, इसी टाइप से ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, और भी आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ में जो ड्रॉ हमने यहाँ किया है, जो ड्रॉइंग हमने यहाँ क्रिएट करी उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो रोटेट कर सकते हैं, किस तरीके से साइज चेंज कर सकते हैं यानी कि रिसाइज कर सकते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे इफेक्ट्स हमने लगा करके देखे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।